एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कम स्कॉलर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद बोनस इश्यू। मीन्स हमारा जो रिडम्पशन और प्रेफरेंस जो टॉपिक था वो तो सेम ही रहेगा, एक छोटा सा एक नया एडिशन कंसेप्ट आ गया, दैट इज बोनस इशू। दैट मीन्स कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाह रही है, दैट मीन रिडम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या, दैट इज रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, या तो कंपनी जो है CRR ग्रेड करती है, या तो कंपनी जो है कुछ जो है फ्रेश इशू करती है, कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर देती है, राइट, या डिवेंचर को इशू कर देती है। तो एक और कंपनी का ऑप्शन होता है कि कंपनी बोनस इशू कर देती है, राइट। तो अब ये रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैसे काम करता है ये हमें देखना है। तो पहले बात करते हैं, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट बोनस, दैट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर देखिए, बोनस का मतलब क्या है, सीधी सी बात अगर मैं बात करूं बोनस का मतलब क्या है, दैट इज एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्री। दैट मीन्स आपको शेयर मिल रहा है बोनस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मान लो कंपनी ने बोला, कंपनी डिक्लेयर करा बोनस 10, दैट इज 1:1, राइट। ये जो 1 होता है ये होता है दैट मीन्स एक्स्ट्रा, और ये जो 1 होता है दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। दैट मीन्स इफ द कंपनी डिक्लेयरिंग 1:1 रेशियो, That means you are getting one extra share of every one share held, right? That मान लीजिए अगर आपके पास 500 share हैं, so you will get another 500 shares as bonus. That means now you will have 1000 shares. Suppose अगर कंपनी डिक्लेयर करती, suppose 2:1, that means you will get 2 extra shares for every one share held. Suppose if you having 100 shares, so you will get 200 more, so that means in total you will have 300 shares. And suppose the ratio is 1:2, so that means you will get 1 extra shares of every 2 share held. That means if you are having 200 shares, so you will get 100 share extra, so that means in total you will have 300 shares, right. सो इसका ध्यान रखना कि ये रेशियो दैट मीन्स क्या कैसे है, दैट मीन्स जो पहला 1 है दैट मीन्स दैट टॉक्स अबाउट दी एक्स्ट्रा, दैट मीन्स हाउ मेनी शेयर्स यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा एज बोनस। बट जो बाद वाला जो डिजिट होता है वो कहता है दैट मीन्स आपके पास एग्जिस्टिंग में कितने शेयर्स आपने हेल्ड किए हुए हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन आ रहा था कि कंपनी बोनस फ्री दे रही है, क्या लिखा हुआ मैंने फ्री, दैट मीन्स कंपनी को अपनी अपनी जेब से देना पड़ेगा। देखिए सीधी आवाज़ है, कंपनी बोनस कब डिक्लेयर करेगी, दैट मीन्स कौन कौन से वो पैरामीटर की कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करे। कंपनी के पास इनफ P&L हो, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल हो, तभी तो कंपनी डिक्लेयर कर रही है। भाई जैसे मान लीजिए कंपनी के पास बहुत अच्छा रिजर्व है, तो कंपनी अगर ये कुछ तो अपना रिटेन कर रही है, कुछ ने कंपनी ने क्या करा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, देंगे फिर भी बहुत बचा हुआ है, तो कंपनी ने क्या कर दिया बोनस ही डिक्लेयर कर दिया। कंपनी के पास इतना इनफ रिजर्व है कि कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है, राइट। अच्छा, बोनस डिक्लेयर करने से क्या शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है, भाई देखा जाए तो आपको देखो एक्स्ट्रा शेयर तो मिल रहा है ना। मैं जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिक्लेयर करा, सपोज 1:2 रेशो की कंपनी ने डिक्लेयर करा, आपके पास मान लीजिए कितने शेयर से 100, राइट, 100 शेयर से, so that means you will get one extra share if you are held of every 2 share held in, right. So that means you will get another 50 shares, that is in total आपके पास कितने जाएंगे 150 shares। मान लीजिए पहले आपके पास जो हैं 100 multiply by 10 के हिसाब से, that means 1000 shares, 1000 rupees की value थी आपके पास, तो क्या अब आपके पास 150 multiply by 10, that means इतनी value हो जाएगी, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपके पास 150 होंगे, आपकी वैल्यू 1000 ही रह जाएगी, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 1000 ही रह जाएगी। सो दैट मीन्स सर आपके आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारे पास जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने रह जाएंगे, आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर रह जाएंगे दैट इज़ अराउंड लगा लो आप 6.6, ये डेसिमल में आ रहा है, वैसे डेसिमल में आता नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जो वो ये हो जाएगी, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारे जो कंपनी डिक्लेयर करा 1:1 रेशियो का कंपनी डिक्लेयर करा, राइट। आपके पास मान लीजिए पहले 1000 शेयर्स थे, वैल्यू कितनी थी 1000 की, तो आपके पास ओवरऑल आपने कितना निवेश किया था 10,000, बाद में आपके पास शेयर कितने हो गए 2000, राइट। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और आपकी ओवर वैल्यू 10,000 ही रह जाएगी, मीन्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू वुड बी सेम, ये सेम ही रहेगी। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो गए बट आपकी प्राइस वैल्यू डाउन हो गई। सर इससे तो शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा होगा बट वो लॉन्ग टाइम में होगा, कैसे होगा, देखिए अगर देखा जाए तो कंपनी के पहले प्राइस कितना था 10 रुपये था, अब 5 रुपये पे आ गया, दैट मीन्स नाउ द शेयर होल्डर विल गेट मोर नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए ये काफ़ी लोगों की शेयर होल्डर की मेंटेलिटी होती है कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि किसी आप भाई देखा जाए तो पहले आपने 10,000 में आपके पास जो है कितने शेयर थे, आपके पास सिर्फ 1000 ही शेयर थे, अब उसी वैल्यू में आपको 2000 शेयर हो गए, तो बोलने में कितना चलता है कि पहले आपके पास 1000 शेयर था 2000 शेयर हैं, बट देखा जाए तो टोटल वैल्यू सेम है, बट ये मेंटेलिटी इंडियन की कि भाई जितने जितने सस्ते शेयर होंगे उतना अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब प्राइस की वैल्यू ऑलमोस्ट देखिए आधी होगी, सो दैट मीन्स अब जो मोर नंबर ऑफ शेयर्स वुड बेसिकली परचेज दिस शेयर्स, हो सकता है पहले जो शेयर होल्डर थे वो एफर्ड नहीं कर पाते थे, अब इसको अब ये इतना एफर्डेबल होना था कि कोई भी शेयर होल्डर इजिली परचेज कर सकता है, तो उससे जो है इस कंपनी के जो है शेयर होल्डर भी बढ़ेंगे, तो दिखाई देता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, राइट। तो इसका ये फायदा होता है। प्लस अगर मान लीजिए कंपनी लगातार डिविडेंड निकले कर रही है, ठीक है, लगातार मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सपोज 25-30 साल में कंपनी, मान लीजिए कंपनी ने 10 बार बोनस डिक्लेयर कर दिया, तो आपके पास कितने नंबर एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे, प्लस उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो आपके पास तो वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर बात बात करें इन्फोसिस की, वैल्यू लें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने अब तक 8 टाइम्स जो है बोनस डिक्लेयर करा है, 8 टाइम्स, राइट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी के पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ में भी शेयर्स होंगे एट इनिशियल टाइम, मीन्स 30 ईयर्स बैक, तो आज उसकी वैल्यू विद बोनस बोल रहा हूँ वो होगी अराउंड 1 CR के आसपास होगी, मीन्स बोनस के पास बोनस की देखिए इतनी पावर है, राइट। तो ये बोनस का फायदा बहुत होता है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी शेयर को जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम में अफोर्ड करते हैं तो वैसे फायदा तो होगा ही, राइट। तो ये था बेसिक, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट बोनस शेयर। चलिए नाउ कमिंग टू दी एग्जांपल, थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेट करेंगे इसको हम, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। अशोक लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइड इनटू 100 शेयर्स, द पेड अप कैपिटल वाज रुपीज 12,50,000, बिसाइड्स दिस द कंपनी हेल्ड 9% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ रुपीज 2,50,000, बैलेंस ऑन अदर अकाउंट्स वाज सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000, P&L 72,000, जनरल रिजर्व 3,40,000, इंक्लूडेड इन सन्डरी एसेट्स वर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 30,000, कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्टिंग उसकी कितनी थी 34,000। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पार्टली बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 105% ऑफ द फेस वैल्यू, ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड ऑफ एक्सेप्ट 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड बोनस वर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:4। नाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री कीपिंग इन माइंड दैट द डायरेक्टर वांटेड अ मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व व्हाइल इफेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शंस, राइट।
तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल रही कि हमने बोनस अभी हमें देखना है। पहले हम सिर्फ वही कंसेप्ट देखेंगे जब तक हम पढ़ते आ रहे थे, प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडम यानी कि रीपेमेंट कैसे करनी है, हमें वो देखना है। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी वर्किंग नोट। आंसर नंबर वन, स्टार्टिंग विद दी वर्किंग नोट। क्या लिखते थे पहले हम, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, हमें देखना कि क्या वो प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप है या नहीं है। हाँ जी, फुली पेड अप है। कितने हैं, 2.5 लाख रुपए के हैं। फिर हम लेस क्या करेंगे यहाँ पर, हम कंपनी ने बताया नहीं है कि कंपनी जो है कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है, कंपनी कुछ बताएं। तो हम कहाँ से यूज़ करेंगे सी आर आर, तो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट मिनट, आई गेस सॉरी, कंपनी ने बताया था फेस वैल्यू ये बताया था 1,20,000, सॉरी बताया था कंपनी ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेश इशूड दैट इज 1,20,000, दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट विल गो टू सी आर आर, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। लेट्स सर्च विद जर्नल एंट्रीज। तो देखिए एंट्री क्या होगी, पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर को कितनी पेमेंट करनी है। टोटल 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट ₹10 इज 2,50,000। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे कितना है, दैट इज 25,000 इंटू में 10 एंड कंपनी जो है पेमेंट कर रही है यहाँ पर, रिडीम कर रही है 10% पे कर रही है कंपनी प्रीमियम, राइट। सो 20 यहाँ पर आ जाएगा आपका, दैट इज 2,50,000। यहाँ आ जाएगा 25,000 पर, यहाँ आ जाएगा 2,75,000। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये जो बोनस इशू वाली जो पीडीएफ फाइल है इसका ड्राइव लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन सेकेंड एंट्री फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। सीआरआर कितने क्रिएट करना, 1,30,000। तो वहाँ पास देखिए फ्री रिजर्व कौन सा बचा, कौन सा हमारे पास, हमारे पास PNL है 18,000 का, सॉरी पी एन एल के पास है 72,000 का, जनरल रिजर्व 3,40,000 का। सो इट्स बेटर हम पूरे जनरल रिजर्व यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व काफ़ी है हमारे पास 3,40,000 का। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंटिंग रुपीज 1,30,000। देन नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल की थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 34,000 थी, 34,000 थी, और कंपनी ने उसको जो है 105% 5% एक्स्ट्रा में बेच दी कंपनी ने उसको, ठीक है। तो हम इसको एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 34,000 की थी, 5% ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1,700। सो दैट मीन्स 35,700 की उसने ओवरऑल वैल्यू जो है सेल कर दी।
अब प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करनी है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें कुछ शेयर होल्डर को जो पेमेंट नहीं हुई थी, क्या लिखा हुआ था बोले तो, 3 होल्डर है जिनके पास 250 शेयर्स हैं, वो कंपनी उनको पेड नहीं कर पाई, राइट। 3 शेयर होल्डर ईच ने लिखा, सो दैट मीन्स ओवरऑल 250 शेयर्स ही हैं, राइट। सो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, 25,000 में से हम जो है 250 शेयर्स माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और इसमें हम 10% प्रीमियम ऐड कर देंगे, ऑल राइट। सो द वैल्यू वुड बी 2,72,250। Then next entry that is to write off premium notation कितना है, that is 25,000 है। प्रीमियम कितना हमारे पास रखा हुआ है, 18,000 का रखा हुआ है हमारे पास, राइट। तो बाकी अमाउंट कहाँ से आएगा फिर, हमने जो है फ्रेश इशू तो पार पे की हैं, लेट मी चेक, सॉरी नहीं नहीं हमने प्रीमियम पे करें फ्रेश इशू। अच्छा, फ्रेश इशू की एंट्री हमने की नहीं, तो पहले फ्रेश इशू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000, 10% प्रीमियम एंड ओवर वैल्यू इज 1,32,000, राइट। अब देखो हमारे पास 12,000 का ये आ गया, 18,000 रखा हुआ था, तो इनफ बैलेंस है, तो हम इजीली राइट ऑफ कर सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट इज 25,000, ऑलराइट। यहाँ तो देखिए इजी था, यहाँ तक आपने अच्छे से करा भी हुआ है, राइट। अब हम देखते हैं बोनस, बोनस की एंट्री करनी है। देखिए बोनस का मतलब हमने देखा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स फ्रीली अवेलेबल किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, लेकिन कॉस्ट बन जाएगी किसके लिए, कंपनी के लिए बन जाएगी। तो कंपनी कहाँ से उठाएगी भाई, P&L से उठाएगी, राइट। बट P&L यहाँ पर कुछ कंडीशन है ना कि बोनस जो है कंपनी किस फॉर्म में लेके जाती है। देखिए जब भी बोनस शेयर होगा, बोनस शेयर डिक्लेयर होगा, उसको इन सीक्वेंस में कंपनी जो है बोनस शेयर का जो है कॉस्टिंग यहाँ से बियर कर सकती है। पहले कंपनी उठाएगी कहाँ से, CRR से, उसके बाद कंपनी उठाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद कंपनी उठाएगी कैपिटल रिजर्व से, और इसके बाद जो अदर फ्री रिजर्व होंगे वहाँ से उठाएगी। यानी कि आपको ये ऑर्डर जो है फॉलो करना होगा, किसके लिए, बोनस शेयर के लिए। पहले कंपनी को पैसे उठाने होंगे CRR से, जो आपने क्रिएट किया था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की तरफ, उसके बाद जाना है आपको कैपिटल रिजर्व की तरफ, उसके बाद भी कोई रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो जाना आपको जो अदर फ्री रिजर्व अवेलेबल होंगे तो, राइट। तो यहाँ पर देखिए एंट्री क्या होगी आपकी बोनस की, जब करेंगे तो कहाँ से उठेंगे कंपनी। अच्छा, पहले हमें अमाउंट पता होना चाहिए कंपनी कितना जो बोनस डिक्लेयर कर रही है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज क्या लिखा हुआ था, कंपनी जो है इशू कर रही है बोनस 1:4 रेशो में, 1:4 रेशो में। यहाँ पर देखिए इसकी हम एंट्री यहाँ कर लेते हैं। ये बताइए कंपनी के पास ओल्ड शेयर्स कितने थे, यानी कि पहले कंपनी के पास कितने शेयर रखे हुए थे। आप क्वेश्चन में देखिए कंपनी के पास शेयर्स थे
ये थे 12.5 लाख को हम 100 से डिवाइड करेंगे, सो दैट मीन्स कितना आ जाएगा वो 1 लाख, सॉरी 12,500। राइट, पहले कंपनी के पास कितने थे, 12,500 शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने न्यू शेयर भी इशू किए, कितने करे कंपनी ने न्यू शेयर हमें, वो करे थे 12,000, सॉरी 1,20,000 के, सॉरी 1,20,000 के कहे थे, 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1,200 शेयर कर गए। राइट, तो ये हो जाएगा 1,200, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 13,700। रिपीट, देखिए पहले कंपनी के पास जो है 12.5 लाख के हिसाब से, कंपनी के पास पर शेयर के हिसाब से, तो ये शेयर थे पुराने वाले, और जो नए शेयर थे कंपनी ने कितने के शेयर इशू करे थे, 1,20,000 के, 100 पर शेयर के हिसाब से, तो ये हो गए ओल्ड शेयर के हिसाब से, तो हो गए कंपनी के पास एट प्रेजेंट टोटल शेयर ये हैं। राइट, अब कंपनी बोल रही है कि कंपनी ने बोल रही है कि हर शेयर होल्डर को 1 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 4 शेयर होल्डिंग। राइट, तो दैट मीन्स बोनस शेयर कितने हुए, 3,425 बोनस शेयर, 3,700 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3,425 बोनस शेयर। राइट, अब इसकी फेस वैल्यू कितने को, तो सेम रही, दैट इज 100 100 रहेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको देखिए दो एंट्री होती है वैसे इसमें, तो देखिए एक तो पहले जो है कंपनी बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर करेगी, कैसे अमाउंट आया, 3,425 मल्टीप्लाई बाय 100, 3,425,000। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा, इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, देखिए अमाउंट हमें टोटल कितना चाहिए, 3,42,500। मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया था, यानी कि इस सीक्वेंस में आपको जो है बोनस का अमाउंट यहाँ से मिलेगा। राइट, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, आपको टोटल अमाउंट कितना चाहिए, 3,42,500। राइट, तो देखिए अब CRR आपने कितना क्रिएट करा था, 1,30,000, 1,30,000 तो यहाँ से आ जाएगा CRR से। SPR में कितना बचा है, अभी इनिशियली कंपनी के पास SPR कितना था, 18,000 था, 18,000 और 12,000 यहाँ से आया, तो 30,000, 30,000 में से 5,000, 25,000 तो यहाँ से लेके, तो कंपनी के पास SPR कितना बचा, 5,000, तो 5,000 तो यहाँ से सेटअप कर लो। राइट, अब बात करते हैं हम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो कंपनी के पास है ही नहीं, तो वहाँ से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब बाकी बचा कितने के पास, कंपनी के पास कौन सा रिजर्व बचा है, जनरल रिजर्व बचा है, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से ले लेंगे, हम जनरल रिजर्व से ले लेंगे, खत्म बात। राइट, तो एंट्री रहेगी आपकी CRR अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। कंपनी ने 1,30,000 यहाँ से ले लिए, 5,000 कंपनी ने यहाँ से ले लिए, कंपनी को चाहिए कितने थे, 3,42,500। तो बैलेंस फिगर आपकी यहाँ जाएगी, दैट इज 2,07,500। राइट, तो ये था आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस विद बोनस इशू। आपको बस ये समझना है कि कंपनी को बोनस कैसे इशू करना है, मैं को बोनस वाले फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको पहले निकालने ओल्ड शेयर्स कितने थे कंपनी के पास, दैट इज 12,500। न्यू शेयर कंपनी ने और कितने इशू करे, 1,200। टोटल कितने हो गए, 13,700। कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है, कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है सबको जो है 1 एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, जिसके पास अगर 4 शेयर हैं, हर 4 शेयर पे कंपनी 1 एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, तो कंपनी कितने एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, 3,425।
तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3,42,500। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा, क्योंकि बोनस तो ये फ्रीली अवेलेबल है शेयर होल्डर के लिए, तो कंपनी कहाँ से निकालेगी, रिजर्व से। लेकिन क्या हम कौन कौन से रिजर्व करेंगे, रिजर्व के लिए आपको ये सिंगल ऑर्डर करना है, CRR, SPR, CR एंड देन अदर रिजर्व, ऑलराइट, एंड ये आपकी जनरेटरी पास हो जाएगी, ऑलराइट। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्स लिमिटेड हुज इशूड शेयर कैपिटल ऑन 31st of March 2019 कंसिस्टेड ऑफ 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच फुली पेड अप, 60,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच 90 पेड अप, डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन दिस डेट शोड जनरल रिजर्व 28 लाख, रिडेम्पशन वॉज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ द प्रोसेस प्रोसीड्स ऑफ ए न्यू शेयर इशू कर रही कंपनी, दैट इज 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35 पर शेयर, द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन वॉज मेट आउट ऑफ द प्रीमियम ऑन द न्यू इशू, ऑन 1st July 2019 द कंपनी एज ए जनरल मीटिंग रिजर्व द रिजर्व फॉर अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट पॉइंट के लिखा हुआ डिक्लेरेशन बोनस शेयर ऑन इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेट इक्विटी शेयर फुली पेड एट 10% एट ₹10 पर शेयर। ओके, इसका मतलब क्या है, देखें आप देख सकते हो कि कंपनी के पास इनिशियली 60,000 शेयर थे इक्विटी शेयर्स, और एक्चुअली पेड अप कितना था, 90 का था, यानी कंपनी ने इशू कर दिया 100 के हिसाब से, यानी कि अभी भी ₹10 का क्या है वो अनपेड है, यानी कि कोई शेयर होल्डर हैं उन्होंने दिए ही नहीं है अभी तक, कंपनी इशू तो करके हैं लेकिन वो अनपेड है, यानी कि कॉल से नहीं रह रहे। कंपनी बोल रही है बोनस इशू तभी डिक्लेयर हो सकता है जब, ऑब्वियसली देखिए जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशन क्या होती है, अगर फुली पेड है, सेम ऐसे बोनस इशू, बोनस किसका कर रही है इक्विटी का, तो पहले इक्विटी जो है वो पूरे फुली पेड बोनस चाहिए, नहीं है तो पहले मंगाओ, नहीं मंगाने हैं तो फिर आपको बोनस कॉल देना होगा। अब बोनस कॉल क्या है, यही है बोनस कॉल का मतलब, कंपनी बोलना क्या चाह रही है कि देखिए कंपनी के पास जो है 60,000 शेयर हैं, कंपनी के पास अब तक 90,000 पैसे आ चुके हैं, लेकिन कंपनी के अभी तक जो है ₹10 के हिसाब से पैसे नहीं आया, यानी कि ₹6 लाख तो कंपनी के पास आए नहीं है, तो वो कंपनी ₹6 लाख का क्या करेगी, बोनस तो डिक्लेयर करना है, राइट। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोल रही है कि ₹6 लाख कंपनी को एज बोनस कॉल, यानी कि बोनस शेयर की तरह होता है लेकिन इसको बोलते हैं बोनस कॉल देना होगा, यानी एक तरह से फ्री। मान लीजिए आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, आपने 90 के हिसाब से शेयर दे दिए लेकिन ₹10 के हिसाब से नहीं दिए, अब कंपनी के जरिए आपको बोनस कॉल दे रही है, यानी कि कंपनी मान लेगी कि आपने दिए दिए, कंपनी आपसे बाद में पैसा नहीं मांगेगी, तो एक तरह से आपके लिए तो बोनस हो गया, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम बोनस कॉल। याद रखना बोनस शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम बोनस कॉल। बोनस कॉल का मतलब क्या होता है कि कोई कॉल अनपेड है जो शेयर होल्डर नहीं दी, और वो शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो पर्टिकुलर कॉल, राइट। तो बोनस कॉल वैसे होता है किसके लिए, वो शेयर होल्डर जिन्होंने नहीं दिया, लेकिन बोनस शेयर सबके लिए होता है, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू ऑल इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय देम, यानी कि एक शेयर एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 1:5 रेशियो की मिल रहा है, राइट। पहले तो देखो हम एक बार जो सेकंड क्वेश्चन है बोनस से छोड़कर, पहले एक बार अब प्रीमियम रिडेम्पशन है जो पॉइंट है वो निपटा देते हैं, उसके बाद बोनस पाते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2, पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स पूरे के पूरे फुली कॉल्ड अप भी थे, पेड अप भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वो कितना था आपका, दैट इज 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज 24 लाख। लेस कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या पहले CRR से लेंगे अवेलेबल फॉर फ्रॉम न्यू इशू करें, न्यू इशू शेयर कंपनी बोल दिया, पहले बता दिया 12,000 शेयर इशू कर रही है एट ₹100 ईच,
तो यहीं ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेश इशूड 12 लाख हो जाएगा। सो दैट मीन्स सी आर कितना हो गया, 12 लाख। राइट, नाउ जर्नल एंट्रीज, ए पार्ट हमारे पास है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, सो लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ जाएगा 24 लाख, कितने प्रीमियम हो रहे हैं, दैट इज 10 पर शेयर के हिसाब से, कितना होगा 10% ही हो गया, दैट इज 2,40,000। तो यह जाएगा 26,40,000। राइट, देन सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू कर रही है कंपनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या कंपनी इसको प्रीमियम पे कर रही है, हाँ 35 रुपये प्रीमियम के हिसाब से भी कर रही है कंपनी, सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने कितने शेयर कर रही है, 12,000 शेयर, 35 रुपये के हिसाब से प्रीमियम हो गया, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया फेस वैल्यू, ये आपके पास आ गया 4,20,000, ये हो गया आपके पास 12 लाख, और ये हो गया आपके पास 16,20,000। देन सी कंपनी सी आर बन रहा है, बना रही है सी आर कितना, 12 लाख का, 12 लाख कंपनी कहाँ से लाएगी, 28 लाख तो कंपनी को जनरल रिजर्व भी है, तो आराम से हो जाएगा, जनरल रिजर्व ले लेते हैं सारा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर 12 लाख, नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 26,40,000। देन राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का है, 2,40 का, इनफ है क्योंकि देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम आ भी गया था हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज 2,40,000 राइट। अब हमारे देखिए रिडेम्पशन और प्रेफरेंशियल वाला कंसेप्ट तो हो गया, अब आते हैं बोनस इशू के हिसाब से। पहले देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन दी बोनस कॉल एंड बोनस इशू, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए बोनस इशू में अभी हमने देखा कि शेयर होल्डर को जो है एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है एक्स्ट्रा कॉल मिलती है, बट ये कॉल किसको मिलती है ओनली टू डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स, यानी कि जिन्होंने अब तक वो अमाउंट क्या था कॉल सीन ए था उन्हीं को ही मिलेगा, बट ये किसको मिलेगा टू ऑल शेयर होल्डर्स, जिन्होंने है होल्ड किया होगा उसी को ही मिलेगा, ये दिखा देगा ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पर जो है कंसेप्ट दोनों आ रखे, बोनस कॉल भी और बोनस इशू भी। तो पहले बात करते हैं बोनस कॉल की। आपको पता है कि कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कितने शेयर से 60,000 शेयर से, जो कि कंपनी के पास 90 रुपये के हिसाब से पैसे आ रखे थे, 10 रुपये के हिसाब से कंपनी नहीं है। तो कंपनी पहले इसको क्या कर रही है फुली पेड में कन्वर्ट कर रही है। कन्वर्ट कैसे कर रही है, कंपनी अपने पॉकेट से कर रही है, इसी को बोलते हैं बोनस कॉल राइट। तो कंपनी कहाँ से देगी, जब भी बोनस कॉल होगा देखना, जब भी बोनस कॉल होगा ये हमेशा होगा अवेलेबल फ्रॉम ऑल फ्री रिजर्व। सर कोंगो से फ्री रिजर्व वही जो हम CRR क्रिएट करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व PNL ये सब राइट। लेकिन बोनस जब इशू करते हैं तो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं कोंगो सा, पहले आता है CRR, फिर आता है SPR, फिर आता है आपका CR एंड देन अदर फ्री रिजर्व राइट। ये सिक्वेंस आपको जो है फॉलो करना होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस देखने फ्री रिजर्व कौन से हैं राइट। चलिए तो एंट्री करेंगे पहले हम किसकी, बोनस कॉल की। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा वो दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया 6,00,000। अब कंपनी तो शेयर होल्डर से ये पैसे ले नहीं रही या दे नहीं रही, वो जो भी कर लो, तो कंपनी कहाँ से दी अपने ऑन पॉकेट से। तो अभी हमें देखा फ्री रिजर्व कौन कौन से होंगे, कंपनी के पास देखिए 28,00,000 का जनरल रिजर्व था, 28 में से कंपनी ने 12,00,000 तो कंपनी ने यहाँ रिजर्व कर लिया CRR में, सो 28 माइनस 12 यानी कि कंपनी के पास अभी भी 16,00,000 बाकी है। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं सारा जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व अकाउंट है भी टू शेयर फंड, ऐसा आपको बैंक अकाउंट दीजिएगा यहाँ पे लिखना है फ्री रिजर्व, कितना आ जाएगा ये 6,00,000। ये होगी बोनस कॉल की एंट्री। राइट अब बात करते हैं बोनस शेयर की, वही हम सिंपल वही करेंगे अपनी कैलकुलेशन। ओल्ड शेयर्स कंपनी के पास कितने थे, ओल्ड शेयर अभी हमने देखा था कितने थे 60,000, न्यू शेयर अभी हमने कंपनी ने कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, कंपनी ने सर इशू करे हैं 12,00,000 के तो करे हैं, लेकिन कितने शेयर्स 12,000 शेयर करें कंपनी ने, टोटल कितने हो गए 72,000।
तो बोनस कितना दे रही कंपनी, क्या लिखा था यहाँ पर, 1:5 रेशो में। सो 1:5 दैट मीन्स बोनस इशू या बोनस शेयर्स कितने हो गए, 14,400 शेयर्स, राइट। एंट्री करेंगे अब हम, ये एंट्री पहले बाद में करेंगे, पहले हम ये एंट्री करेंगे, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज फोर्टीन लैख 40,000, राइट। अब ये अमाउंट आएगा कहाँ से, 14,40,000 आएगा कहाँ से, रफ लिख लेते हैं। पर पहले देखेंगे हम सी आर आर, सी आर आर 12 लाख, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए कितना अमाउंट चाहिए, सी आर आर से आ जाएगा 12 लाख, बचा कितना, 240, 240। उसके बाद किसके नंबर आता है, एस पी आर का, एस पी आर कितना बचा कंपनी के पास, इनिशियली कितना था कंपनी के पास एस पी आर, था ही नहीं कंपनी के पास। अच्छा तो हम अपने देख लेते हैं यहाँ पर, कंपनी ने एक तो सेटअप करा 240 का, यहाँ से सेटअप कर दिया, इतना आया, ये कर दिया सेट ऑफ, राइट। तो कंपनी के पास 1.80 बचा हुआ है, यानी कि 1.80 बचा हुआ है कंपनी के पास, राइट। तो 1.80 के कंपनी, 1.80 कंपनी कर देगी यहाँ से, ये हो गया सी आर आर से, ये हो गया एस पी आर से, राइट। तो अभी कितना बचा है कंपनी के पास, 13,80, यानी कि 60,000 और बचा भी, बाकी 60,000 कंपनी जर्नलिज्म से ले लेगी और क्या करेगी, वो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, सी आर आर अकाउंट डेबिट, देन एस पी आर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इश्यू, कंपनी कितना चाहिए, 14,40,000, राइट। कंपनी 12 लाख तो यहाँ से ले रही है, 1.80 कंपनी यहाँ से ले रही है, बाकी 60,000 कंपनी यहाँ से ले रही है, राइट। यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हो जर्नलिज्म में बैलेंसिंग फिगर आई आपके पास, ऑलराइट। सो क्लास दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिलेटेड टू बोनस इशू। आगे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू लेटर ऑन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।